कब होगा? हाँ मैडम, चिंकी ने जिस नंबर से प्रैंक कॉल किया था उसी नंबर पर इंटरनेशनल नंबर से मैंने वापस कॉल किया है और वाईफाई से कनेक्ट किया ताकि वो ट्रेस ना कर सके, और आवाज चेंज करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर भी कनेक्ट कर दिया है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप बिंदास बात कर सकती हैं। अरे वाह क्या बात है, सफेदी की चमकर, तू तो मेरी भाषा बोलने लगी रे, बिंदास। हाँ ठीक है कॉल लग गया। हेलो हेलो, जंग हो या खेल, राजा के बिना दोनों ही अधूरा है और तुम्हारा खेल भी अधूरा है क्योंकि राजा हमारे पास है। कौन? क्या फर्क पड़ता है, तुमको राजा चाहिए ना? हाँ राजा हमारे पास है, पैसा तुम्हारे पास है, हमको पैसा चाहिए। तुम राजा लो पैसा दो, राजा लेना है। सोचा जा सकता है अगर तुम मुझे यकीन दिलाओ कि वाकई में राजा तुम्हारे पास है। वो कैसे? राजा की मुँह दिखाई करके वीडियो कॉल पर। वीडियो कॉल? तो वीडियो कॉल कैसे करेंगे? अभी थोपड़ा देख लेगी ना वो अपना। एक मिनट हम कुछ करते हैं। बिल्लू जी के पास चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो, उसको कहाँ शुरू करें, देखें तो कितना। बिल्लू बिल्लू जी, बिल्लू जी बिल्लू, राजा कैसे बनाएंगे उनको? बिलौटा का तो एकदम जिंदगी बर्बाद कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए मैडम, हम उसको खोजो। जल्दी 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 यार, फोन फोन। अरे अब क्या करें? फोन कैसे बात करें? रेशमा जी, अरे पर चहना आ रहे हैं, आंखें निकल रहे हैं, हम आंखें निकल रहे हैं। ठीक है कुछ नहीं, सब भी पकड़ो जरा, ये पहन लीजिए, ये जल्दी से पहन लीजिए। नो 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 नो, छाड़िया छाड़िया छाड़िए, मस्त और फिर पार कीजिए। हाँ हाँ चल लगा। आखिर तुम लोग हो कौन? कौन है जिसने चौटाला को चूना लगाने की हिम्मत की है? किसी उठाई गिरी में इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती। क्या फर्क पड़ता है, काला कौआ कुछ समझ में नहीं आता है अंधेरे में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। और हम हैं इंटरनेशनल चोर, अभी भी और कभी भी, इजिप्ट के सबसे बड़े चोर। चेहरे देख सकती हो तुम्हारे? हम चेहरे उन्हीं को दिखाते हैं जो हमें बताते हैं कि वो दोस्त है दुश्मन नहीं। और दोस्त है ये तब पता चलेगा जब सौदा हो जाएगा, सौदा हो जाएगा मुकुट हट जाएगा। ठीक है राजा दिखाओ। राजा? वो राजा राजा दिखाते हैं थोड़ी देर में, भले ही मरेला राजा है लेकिन थोड़ा आने में टाइम लगाएगा ना। बिलौटे 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 चल चल। ए मुझे पहले जाने दो, तू बाद में जा। अरे हमको नहीं जाना है, हमको तुमको लेकर जाना है, चल बाहर। अरे मुझे बहुत जोर से आई है, मुझे जाने दे। बिलौटे आई है तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो आई है ना तुम्हारे इस आई से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बात समझ। काल रात्रि के राक्षस चल। अरे प्रेशर है बाबा, चलना राक्षस चल चल छोड़। अफसाना लबों पे है जालिम, अभी नहीं गया तो अंदर अंदर निकल जाएगा। अरे पूरा शरीर पर पट्टी बंधा हुआ है, आराम से अंदर गा लेना यार, कब बकवास कर रहे हो, जल्दी सो जा यार। गुड आइडिया। देख लिया राजा को? ओके डील डन। तुम्हें जगह और टाइम दोनों एसएमएस कर दिया जाएगा। ओके, अभी भी और कभी भी आउट। क्या है ये समोसा आलू मिर्ची सबकी सबका स्मेल आ रहा है। अभी मैं सोचू घर की स्मेल क्यों है, जो लेकर आए थे उसी की तो बदबू आएगी ना। अरे तुम अब तक यहीं पर है, तुम्हारा अफसाना तो एकदम लबों तक आ रहा था ना, जाओ जाके गा के आओ, मरा जा रहा था एकदम गाने के लिए ही। नहीं नहीं, हमने अपना गाना अपने घराने में ही गा लिया। अच्छा अपने घर आने में। टकरा राक्षस, एक दिन तुम्हारा एनकाउंटर नहीं कर दिया तो हमारा नाम चीता चतुर्वेदी नहीं। अरे पूरा दरबार खाली हो गया, तक लिया। तो ये है हमारे धंधे के वो कद्रदान, हमारे रिस्पेक्टेड बायर्स, जो हमेशा हमारे धंधे की हौसला अफजाएं करने आए। हमारी चुराई हुई मम्मियाँ खरीद कर। जीते मुझे तो लगा था इसमें 2 जने आएंगे, पूरी बारात लेकर आए हैं, साथ में दहेज भी। इतनी हथियार इनका मुकाबला कैसे करेंगे हम? संतु हम तो इसका मुकाबला कैसे करें, हमको समझ में नहीं आया। बस यार दीदी, तो आप लोग इजिप्ट से हैं ना? नहीं तो क्या, जापानी लगते हैं। अच्छा, तो यही बात अगर आप इजिप्ट में बोलती तो कैसे बोलती? बोल के बताएंगी प्लीज। हम बोलकर बताएं तो चलेगा? नमान की रेहान तू अब का कसाब आजा ए अहाओ ढोबा के आजो। मरवाओगी हमको। कोई भाषा भाषा नहीं है, मैं अपनी ही भाषा उल्टी बोल रही हूँ। उनको कौन सा समझ में आने वाला है? वैसे तुम लोग इंडिया में क्या कर रहे हो? वही जो आप लोग करने आए हैं, काम धंधा व्यापार बिजनेस। अगर इजिप्ट की मम्मी इंडिया में आ सकती है तो इजिप्ट के चोर इंडिया में क्यों नहीं आ सकते? बब हब और बब का बब। अगर आप लोग का ये क्विक कॉन्कर्स खत्म हो गया हो तो गंगा का बाग करें हम लोग। जरूर, हिंदी अच्छी है काफी आपकी। शुक्रिया। आइए। One minute. पहले मैं ये चेक करना चाहूंगा कि ये मम्मी असली है या नहीं। If you don't mind. सर, हमारा एक पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है। आप वो क्यों मम्मी को चेक करना चाहते हैं? आपने फोटो तो मोबाइल पर देखा ही है ना? तो इसकी कीमत भी आपको फोटो में भेज दे चलेगा? बाय मैडम। चाकू लाओ। मम्मी को चेक कर रही हूँ छेद करके, कोई प्रॉब्लम? ये बस तो दबाता है आहोर सदा से कह रहा पाब्लो तरीका से सब रेजिस्टर त्रय। क्या? अब इनके कहने का मतलब है कि ये सब तो होता रहेगा, लेकिन हमारा इजिप्ट का ट्रेडिशन है कि सौदे से पहले हम सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। चलिए, ये भी सही है। म्यूजिक। बिलौटे क्या कर रहा है? किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। सो जाओ इसमें। नहीं सोऊंगा, मेरे अंदर कीड़ा गया है। ये कीड़ा बर्बाद कर देगा तुम्हारा, कोई देख ले। नहीं, मुझे मम्मी नहीं बनना है। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे मैं मम्मी नहीं हूँ करिश्मा मैडम, मेरे अंदर कीड़ा गया है। कीड़ा निकालो। करिश्मा मैडम मतलब पुलिस? हमारे साथ धोखा हुआ है। गार्ड्स अटैक! ए मेरा कीड़ा निकालो रे। चिंकी निकाल। अरे पर मम्मी तू छोड़, निकाल। गए यार कसम से, एक बार तो लगा गए हम, लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया। मम्मी नहीं मिली तो ना सही यार, एटलीस्ट हम तो किसी के हाथ नहीं आए। चंद्रमुखी के हाथ से कोई बच के निकल जाए, आज तक तो ऐसा कभी हुआ ना। Then why are you trying to be exception to the rule? भाग चिंकी। हाँ, तेज भागो, तभी तो एनकाउंटर असली लगेगा। करते हैं? सरेंडर यानी नो ब्लड शेड? So boring you people are. तो फाइनली जिस केस के लिए दुनिया आपको बदनाम कर रही थी वो बखूबी निपटा डाला। आपके एरिया, आपके शहर की सारी महिलाओं को आप लोगों पर गर्व होगा, बल्कि आपके जीत की खुशी वो ऐसे मनाएंगी जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया हो पाकिस्तान से। बहुत उम्दा खेले, बहुत बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आगे खेलते रहना और अपने इस महिला पुलिस थाने का नाम रोशन रखना। सब कुछ आप ही से सीखा है मैम। सच कहें तो ये वर्दी हमने देश के लिए पहनी, लेकिन इसका स्वैग हमने आप ही से सीखा है। ऑफ कोर्स आप जितना तो शायद कभी भी ना कर पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप ही की तरह लोगों के दिलों में जगह बना के रख सकें तो काफी होगा। आपके बहुत जबरदस्त मुरीद हैं और हमेशा रहेंगे। चंद्रमुखी चौटाला एक ही है और वो आप हैं और हमेशा आप ही रहेंगे। फिर वो बेकार की बातें करके महाराज जो है ना टाइम बर्बाद कर दिया। ओके बाय। जय हिंद। See you soon, हसीना। उर्फ उर्मिला। अरे बचुआ, तू यहाँ था? और ऐसे टुकुर-टुकुर का देख रहा है? खड़ा रहेगा, पैर-वैर को छुएगा नहीं। अरे संस्कार। खुश रहो। खुश रह बिटुआ। कैसा है तू बेटा? हम बिल्कुल बढ़िया। अरे तुम आने वाली हो, एक बार पहले तो बता देते। हम खुद आ जाते आपको स्टेशन लेने के लिए। बहुत अच्छे हैं, जैसे तुम आई जाते लेने हैं। हर बार बहाना कर देते हो कि अभी इस पर काम है, बिजी है। इस बार हम लोगों ने सोचा कि एकदम अचानक से पहुंच जाएंगे, धमक जाएंगे। बिलोटे चुप चुप, ये हमारे बाबूजी हैं, ये हमारी अम्मा है। हे माँ, बाबूजी ठीक। अरे कौन है भाई, चोर टाइप का लग रहा है। अरे देखा आपने कैसे हमारी बिटुआ के साथ रह रहे, कैसे चोर उचक्के भी ना संस्कारी बन गए हैं। एक्सक्यूज मी, मैं चोर था। अभी मैं इसका दोस्त हूँ और थाने में रहता हूँ इज्जत के साथ। अरे सरेआम लड़की के पीछे भाग रहा था। आपको पता है मुझे कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ। अरे अम्मा, चोर थी वो। कलर के हाथ में से पैसा छीनकर भाग रही थी तो हम उसका पीछा कर रहे थे, उसको पकड़ने के लिए। काम है हमारा, हम पुलिस वाले हैं। कैसे आप लोग अचानक से आए, कैसे ही तो हमको बता दीजिए भाई। वो तेरी सुलक्षणा चाची की मौसेरी बहन की बेटी की शादी है, तो बस हम तो वो शादी के लिए आए थे। तो हमने सोचा कि भाई जब जा ही रहे हैं तो तुम्हारी सुलोचना चाची को हमने बोल दिया कि भाई 2-3 ठे लड़की का रिश्ता जो है संभाल के रखना, ताकि तुम्हारा ब्याह के बात कर सके। बस अब हमारा बिटुआ ना अच्छे से तैयार होके आना। शादी में दोनों लड़कियां भी आएंगी, जिसको तू पसंद करेगा ना बस उसी के साथ वहीं पे शगुन कर देंगे और ब्याह निश्चित कर देंगे। माँ इत्मीनान से यहीं पर रोड पर आप हल्ला मचा रही हैं। चलिए ना क्वार्टर पर चलकर बात करते। और कितना बार बोले हम आपको कि हमको शादी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। अरे पगलेट हो गए हो क्या? अरे अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? एक बात कान खोल करके सुन लो तुम। हम अपना गेरुआ वस्त्र, कमंडल और रुद्राक्ष की माला वगैरह सब पैक करके लाए हैं, समझे कि नहीं? हमको आज शाम के 7 बजे तक साफ साफ जवाब चाहिए, और वो भी हाँ में। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो बेटा हम साफ साफ कह रहे हैं, हम और तुम्हारी अम्मा दोनों जने हिमालय पे चले जाएंगे और जा करके वहाँ संन्यास ले लेंगे और पूरा जीवन जो है ना प्रभु के चरणों में काट देंगे। अब खुद ही सोच लो कि तुमको संसारिक जीवन बिताना है या अपने माँ बाप को सन्यासी जीवन बितवाना चाहते हो। तुम सुलक्षणा चाची क्या ठहरे हुए हैं? शाम को 7 बजे जवाब लेकर के आ जाना। जा रहे हैं, चलो जी। अरे आए, ब्याह नहीं करेंगे, हद हो गई। क्या रे फटाकड़े, इतना मस्त आइटम बनके किधर जा रही तू? ए डेट पे जा रही क्या वो चिंटुकला के साथ? चिंटुकला कौन? ये अपना चिकना चीता रे। नहीं, आपके दिमाग में बस एक ही ट्रैक चलता है ना। हाँ हाँ, उसका मैसेज आया था, उसके पेरेंट्स आ रहे तो उनके लिए कुछ लेने जा रही हूँ मार्केट। अगं भाई कैसा काय मुंबई, क्या रे तेरे समझ में नहीं आता है। एक तो नक्की उससे प्यार है कि नहीं, कि दोस्ती है, कुछ पता नहीं है, लेकिन गिफ्ट विफ्ट लेने जा रही है उसके माँ बाप के लिए। क्या मस्त लड़के को उंगली पे लपेट के रखा है, एक नंबर। मैं चीते चीता कहाँ है? इधर क्या हुआ, इतनी भड़केली काय को है? तो भड़केंगे नहीं तो और क्या करेंगे। काम कैसा किया उस इंसान ने, पूरा हमारे खाने का इज्जत उसने मिट्टी में मिला दिया। एक चोरनी को पकड़ नहीं पाया, उसके हाथ से चोरी निकल गई। कल रात सपने में ना हमारे भी लौट घंटा घर आया था, तब ही समझ गए थे हम कि हमारा पूरा जिंदगी घंटा घर होने वाला है। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उड़ता तीर अपना पल्ला में ले लिया हम। उड़ता तीर नहीं, टहलता तीर। तो का? ओ माँ बाबूजी टहलते टहलते मिले थे ना मार्केट पे, इसीलिए। शांत शांत हो जा, कुछ सोचते हैं। क्या करिश्मा मैडम का फोन आया बिलोटे काटने का? नहीं नहीं उठा ले, नहीं तो तुम्हें इस दुनिया से उठा देगी। उठा ले उठा ले। सुनो तुम हमारे बात, तुम्हें कितनी बार बोला तुम्हारा जो आशिकी का बुखार है इसको उतार दो तुम। ये आशिकी के जो भूत होते हैं ना, ये सुस्त जानवर की तरह होते हैं जो तुम बन गए हो, एकदम सुस्त। तुम एक लड़की को पकड़ नहीं पाए, हाँ वो तुम्हें चकमा देके निकल गई पूरे मार्केट में, शर्म नहीं आता तुमको? मैडम वो क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि निकली है, हम पीछे थे, हम कोशिश किए। सुनो तुम, हमारा बात पूरा नहीं हुआ अभी। तुम अगर उस चोरनी को पकड़ के थाना में नहीं लाए तो आज के बाद तुमको थाना में आने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर जो है ना वो हम अपने हाथों से प्रिंट करेंगे, समझे कि नहीं समझे? नौकरी प्यारी है ना चीते, तो ढूंढ के लाओ उस चोरनी को अभी के अभी। मैडम काट दिए। तुम क्या ये बन के घूम रही हो तुम? हाँ तुम्हारा यूनिफॉर्म किधर है? एक घर पर है और एक अंदर रूम में। तो यहाँ अभी क्यों नहीं है? पहन कर आओ अभी के अभी, जाओ। नहीं सुनो सुनो सुनो, अरे लड़की को बहुत जरूरी काम से मार्केट जाने का है, उसको जाने दे, बाद में बात करते हैं अपन ना ये सब। जाना तुम, जय माता। सुन माता बात सुनिए, वो छोड़ना, वो बच्ची है, काहे के लिए उसकी? नहीं ये जो पर्सनल लाइफ होता है ना ये ड्यूटी के टाइम पे नहीं होता है। अच्छा ठीक है मैं उसकी वजह की ड्यूटी बजाएगी। बहुत बढ़िया बात है, चलो हमारे साथ। किधर? सबके रायते इधर मैं ही संभालूं। चीते अरे ये चोरी नहीं मिली तो तेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं तो तू फुटपाथ पे रहने लगेगा, वहाँ क्या पत्थर खाएगा, भूखा मरेगा। वैसे तू पहले ही गरीब है, क्या मरने के लिए मोटिवेट कर। एक मिनट कौन है आप? कौन है आप? पति है हमारे, हम आपकी पत्नी। नहीं वो घूंघट की वजह से उनको दिखाई नहीं दिया होगा ठीक से, कंफ्यूजन है ना? हाँ यही हमारे पति हैं। हमारी कोई पत्नी वत्नी नहीं है, अभी अविवाहित है हम, हमारा शादी वादी नहीं हुआ, समझ रही हैं आप? अरे सब सुन लिया, इस मोहतरमा का क्या प्रॉब्लम है? हटो, हमें बात करना है। देखिए ऐसा है ना, देखिए हम आपकी पत्नी हैं। देखिए आपको कोई गलतफहमी हो गया, हमारा शादी वादी नहीं हुआ है और हम किसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? हमको भी जानना है, बताओ ना। हम किसी और से प्यार करते हैं, टकले परिंदों के ब्रांड एम्बेसडर, उसी को पत्नी बनाएंगे, उसी से शादी करेंगे। निकला बलम हर जाई। भाई अरे ये तुम्हारे लिए किया है पूरा नाटक, ये तुम्हारे अंदर का जोश जगाने के लिए। ये तुम्हारा आशिक है ना जो अंदर दबा हुआ है, वो उसको बाहर निकालने के लिए ये सब नाटक किया है। कब प्यार का इजहार करेगा? अरे नहीं करेगा तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स कर देंगे और तुम्हारा प्यार अधूरा रह जाएगा। नो कंटिन्यू, ओनली कट। हाँ तो का कर का सकते हैं, आओ बताते हैं। सुनो, हाँ पकड़ो, ये तुम्हारे आज के 2000, तुम्हारी आज की फीस, तुम्हारा आज से काम खत्म होता है। तुम जा रही हो वापस, अपना ठेला संभालो। उर्मिला मात्रे का अज्ञातवास सब खत्म होता है, ठीक है? अरे ये क्या बोल रही है? नहीं ये हमको बोलना पड़ेगा। बात ये है कि अनुभव भैया जो है वो वापस आ रहे हैं। अगर करिश्मा सिंह ने हमें वापस भेज दिया तो हम उस मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचेंगे जो इस पेन ड्राइव को हासिल करना चाहता है?